आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन प्रांगर से डीआईजी जे रविंद्र गौड़ और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा मिनी मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि यह मिनी मैराथन दौड़ पुलिस लाइन से शुरू होकर रोडवेज तिराहा होते हुए मोहद्दीपुर और मोहद्दीपुर से वापस पुलिस लाइन पर समाप्त हुआ, जिसमें नागरिक पुलिस के 145 व 26वीं वाहिनी पीएसी के 55, जीआरपी के 15, यातायात पुलिस के 45 व स्पोर्ट्स से 40 जवानों द्वारा मैराथन दौड़ में प्रतिभाग किया गया, जिसमें 5 बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी विनोद यादव, अमित पासवान, माधवीश सिंह, राहुल कुमार, सुजीत कुमार को डीआईजी जे रविंद्र गौड़ द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव क्रोवर ने कहा, लंबी दौड़ है, उसमें तो समझिए कि 5 कदम आगे हैं। इधर से बोल करिए, सामने से इधर आज़ादी के अमृत महोत्सव जो कि पूरे देश में सभी भारतवासियों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आज उसी के संदर्भ में जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मैराथन का समापन भी जनपद गोरखपुर की पुलिस लाइन में किया गया है। इस मैराथन दौड़ में सबसे आगे रहने वाले पहले 5 जो हमारे धावक हैं उनको प्राइज़ दिया गया है। सभी जो मैराथन में भाग लेने वालों ने अपने हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर के इस मैराथन में प्रतिभाग किया है और देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम की जो भावना है अपने आप में और पूरे समाज में जगाने का इस मैराथन के माध्यम से प्रयास किया गया है। Yeah.
अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में इस आयोजन को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद गोरखपुर के पुलिस लाइन में डीआईजी रेंज महोदय के निर्देशन में यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया है, जहां पर पुलिस से संबंधित सभी हमारे पुलिसकर्मी यहां पर भाग लिए हैं। डीआईजी सर द्वारा स्वयं पूरी मैराथन कंप्लीट की गई है। जिस भावना के साथ आज ये मैराथन का आयोजन हुआ है, मुझे पूरी आशा है कि मैराथन के माध्यम से देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की जो भावना है वो हम सब में और हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में और देश में देशवासियों के बीच में और सुदृढ़ होगी और इस देश को विश्व गुरु बनाने में जो हमने संकल्प लिया है उसको हम आगे चल के जरूर पूरा करेंगे। डीआईजी सर का विशेष तौर पर यहाँ पर आने पर और हमें सबको मार्गदर्शन देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सर सर थोड़ा और लगवाइए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देह आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कल से ही विभिन्न कार्यक्रम पूरे जनपद में मनाए जा रहे हैं और विशेष रूप से पुलिस द्वारा आज यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिसकर्मियों द्वारा डीआईजी रेंज सर के निर्देशन में उसमें प्रतिभाग किया गया। देशभक्ति की राष्ट्रभक्ति की जो एक भावना को और सुदृढ़ करने के लिए ये मैराथन का आयोजन हुआ था। इसमें पहले 5 स्थानों पर आने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मुझे पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जो इस देशभक्ति की भावना है, ये गर्व जो है, ये और सुदृढ़ होगा। और देखिए, ये पूरा एक हफ्ते का बड़ा ही बृहद कार्यक्रम है जिसमें कई तरह के आयोजन होने हैं। ये जो शेड्यूल है वो जारी हुआ है, सभी पुलिसकर्मी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।